आप दोनों पंजाबी है तो पंजाबी डांस तो बहुत सिंपल होता है, भोजपुरी डांस बहुत डिफिकल्ट होता है सर। कैसे मतलब? करके दिखा, करके दिखाइए ना, करके दिखा। आपने हाथ क्यों खड़ा किया बाजी? कि ये बताने के लिए कि पंजाबी डांस इजी नहीं होता है। अगर भोजपुरी इतना ही मुश्किल है तो पंजाबी डांस भी इतना आसान नहीं है। ये बात आ जाओ मेल कर लेते हैं। ओपन चैलेंज है क्या बात है। आ जाओ फिर, आ जाओ। मुकाबला, मुकाबला जी आइए इधर। डांस कर रहा है भंगड़े वाला, पूरा वट कर देने। क्या ये बात? पाजी का कहना ये है कि पंजाबी डांस इतना इजी नहीं है, और इनका कहना है कि इजी है, हमारा ज्यादा मुश्किल है। एक काम करते हैं, एक पंजाबी सॉन्ग प्ले करता हूँ, उस पर भोजपुरी डांस करिए। अरे अब भोजपुरी करो उस पर पंजाबी, पंजाबी में डांसेंगे और नाच। हाँ ठीक है, ओके फिर ठीक है, भोजपुरी ट्रैक प्ले किया जाए। वेल डन, एपिसोड क्रेजी। ओ पाया, ये बहुत मुश्किल डांस है। ओ पाया जफ्फी विदाउट पप्पी, आ जा। तू खाया पिया कर गुरु। खाया पिया कर। शुक्रिया पाजी, शुक्रिया भाई साहब। आप बैठ जाइए प्लीज। और कोई हमारे दोस्त जो परी से आदित्य से बात करना चाहते हैं? आप जी सर। हेलो सेतु जी। सर परिणीति जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जी। आप सुंदर तो हैं जी, आपका फिगर भी आपने मेंटेन किया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन आज तक आपने किसी भी पिक्चर में, फिल्म में अपना क्या बोलते हैं उसको, आइटम सॉन्ग नहीं किए? आइटम सॉन्ग नहीं किया जी। मैं चाहता हूँ किसी जमाने की हेलन जी, हेलन, हेलन जी के सर, सर उसके ऊपर कोई भी फिल्म के ऊपर। परिणीति को देख के बड़ी इच्छाएं जाग रही हैं आपकी। एक फिल्म का डांस करके आप दिखा दे दो। आप करेंगे साथ में? आप अगर साथ में करेंगे तो मैं करूंगी। नहीं काफी है। नहीं नहीं नहीं, आप आएंगे तो आप ही आइए साथ में। या आ गए उनके आने से पहले पहले बजा दो। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? वेलकम, आइए। सर बड़ा अच्छा डांस किया आपने। जो आपने कांपने वाला स्टेप किया वो बड़ा तगड़ा था। जोरदार तालियां होनी चाहिए यार, जब कोई ऑडियंस में से भी जब कोई आके परफॉर्म करता है। अपना वो लच्छा नहीं रहता अपने मोहल्ले में, अपनी भैंसे खुली छोड़ देता, किधर भी घुस जाती है। शर्मा जी, आई एम नॉट भैंस, आई एम लच्छा, सबसे अच्छा। अरे परिणीति चोपड़ा जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हेलो हेलो, कैसे? ठीक एकदम। आप और आपके एंटेना कैसे हैं? अरे एकदम बढ़िया, आप क्या बताए। आदित्य जी, हाँ जी, बहुत खुशी होती है आपको देखकर। थैंक यू सर। नहीं आपके भी हम सब, अरे अभी कुछ दिनों पहले आपके चलचित्र का फिल्मांकन हो रहा था। हम क्या चलचित्र का फिल्मांकन हो क्या है? आपके फिल्म की शूटिंग हो रही थी, हम वहाँ पर आए थे। अच्छा, एक्चुअली आजकल बारिश हो रही है तो नेटवर्क पकड़ता नहीं इंटरनेट का। तो कुछ गलत बोल जा रहा है। हाँ, तो नहीं, हम वहाँ पर आए थे, हमने आपको आवाज भी दी थी, हम दूर खड़े थे, हमने कहा था कि ए सुन रहा है ना तू, देख रहा हूँ मैं। शायद आपने हमें बिल्कुल देखा नहीं, टोटली हमको इग्नोर कर दिया, पर कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमें पता चला कि इस फिल्म में आपने कुछ होटल बोटल खोला है। करेक्ट। नहीं बहुत अच्छी बात है। क्यों? नहीं क्या है कि फिल्में तो ठीक है चलती रहती है, फिल्म होती है दो ढाई घंटे की, अपने को पूरी लाइफ गुजारनी है। करेक्ट। कोई दूसरा बिजनेस तो देखना ही चाहिए। सही बात है। अच्छा तेरे को पता है इनको पैसे की कोई कमी नहीं तेरी तरह? शर्मा जी, इट इज नॉट अबाउट पैसा। घूम फिर के आप क्यों पैसे पे आ जाते हैं पता नहीं, इट इज अबाउट बिजनेस।
अच्छा जितनी तेरी जुबान चलती उतनी कहीं तू टांगे चला ले तो तेरा पेट थोड़ा आधा हो जाएगा। बकवास करता है तू शर्मा जी, घूम फिर के आप वही बातों पे तेरा, तेरा दिमाग खराब है। तू भैंसों के बीच में रह रहे के तू भैंस हो गया तेरा दिमाग। शर्मा जी जितनी बार आप हमें भैंस कहते रहते हैं भैंस कहते रहते हैं, हमें तो कभी डर है कहीं आप दूध देना ना शुरू कर दे। अब देखिए आदित्य जी, बिजनेस की बात निकली है तो एक बिजनेस टू बिजनेस बात कर लेते हैं। कैन आई हैव अ सीट बिकॉज बिजनेस का बात। हैव अ सीट। यस यस। तो देखिए बिजनेस में क्या है कि हम चाहते हैं आप जो होटल खोलें, खोलें आप होटल, बहुत सारे होटल वोटल खोलिए आप, उन सारे होटल में मिल्क प्रोडक्ट की जब आपको जरूरत हो तो हमें याद कीजिए। अरे बाबा लखनऊ से आते आते तो खराब हो जाएगा तू। अरे फिल्म को प्रमोट करने आप भी लखनऊ से आए, आप खराब हुए। अब छोड़िए ये बातों को, छोड़िए, बोल दिया बोल दिया। अब हम क्या डेयरी फार्म वाले आदमी, हमें इतना पता नहीं है चीजों का। तुमने डेयरी फार्म कब से खोल लिया बे? शर्मा जी आपको पता नहीं हम क्या करते हैं? भैंसे रखी हुई मेरे को पता है। तो भैंसे क्या हम गर्ल्स हॉस्टल में रखते हैं? वैसे हमारे यहाँ के जो दूध और दही के प्रोडक्ट्स वो फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आप कहें तो अभी के अभी एक फ्रेश लस्सी आपको पिला सकते हैं। हाँ आई लव लस्सी, डॉक्टर ने मुझे लीजिए। तो अभी तैयारी यहीं पर है, ले लीजिए। बना के लाया? नहीं नहीं ये खाली है, लस्सी अभी हम बनाएंगे फ्रेश। ओके ओके अच्छा दो। हाँ अब फ्रेश कहाँ से बनाएगा? दही भी लाए हैं ये देखिए। एक मिनट देखिए, आपके कुछ कपड़े पे गिरना जाए ऐसा हाँ। आप पकड़िए। तो मेरे कपड़ों पे गिरेगा मेरे कपड़े खराब नहीं होंगे? अरे आपको क्या है, आपके कौन से कपड़े इतने महंगे होते हैं? ये रहा, हमने डाल दिया दही, हम हाँ, सब लेकर आए हैं हाँ। अभी के अभी फ्रेश लस्सी बना के आपको ट्राई करवाएंगे। ये देखिए, सुगर इज सुगर, सॉल्ट इज सॉल्ट, सब है। ये शक्कर, अब ये बन रही है लस्सी है, ऐसे कैसे मिक्स होगी? अबे ऐसे कोई लस्सी बनाता क्या ऐसे? ये लीजिए एकदम फ्रेश लस्सी। अब ये ढूंढा ले तैयार। नहीं डॉक्टर ने मुझे बोला है बस सुबह 11 बजे ही पीना है। नहीं डॉक्टर की बातें मत सुनिए, लच्छा की बातें सुनिए। आप लीजिए लस्सी है। लीजिए 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 कम कम परी चलो। अरे लीजिए ना। अरे नहीं नहीं मत पीना। अरे कपिल कपिल अगर तुम इसे प्यार करता है तो कपिल नाक बंद करके पी ले। मेरे को अपनी कैलकुलेशन करने दो, अगर आज लस्सी पी ली तो ये है, अगर नहीं पी तो प्रियंका नहीं। देख परी तुम मेरे को ट्रेन के नीचे आने को बोलेगी तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन अरे हमने पूरा अपना प्यार डाला इस लस्सी में। और बात प्यार की नहीं है, प्यार इसमें तो डाला ठीक है, लेकिन वो प्यार पहले पता नहीं कहाँ कहाँ डाला, मेरे को क्या पता। वो लेगा भागो बड़ी लस्सी लेके, वो तो मजाक कर रही है। भरोसा रखो भरोसा। आप हमारी बनाई हुई लस्सी नहीं पिएंगी सुबह 11 बजे जंगल पानी निकल ले सवा 11। तो अब हम आपके लिए काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना होगा आपके लिए। तो हम आपके लिए गाना गाएंगे। हाँ ओके गा रहे हैं हम जी, देख रहे हैं हम। मैं पर परेशान नहीं, तेरे को कब्ज है। देखिए गाने के लिए हम पूरा गाना भी गा सकते हैं, लेकिन आप इतने में ही समझ गए होंगे कि इस मनुष्य की वजह से हम कितने परेशान परेशान है। हाँ लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम आप लोगों को अपनी परेशानी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। हाँ। परेशानी आपको देकर नहीं जाएंगे, आपके चेहरे पे हमें हमेशा स्माइल देखनी है। उसके लिए हम जानते हैं कि आप हमारी स्माइल देखेंगे तो आपके चेहरे पे बाय पब्लिक डिमांड हम आप लोगों को स्माइल दिखा देते हैं। फिर से एक बार हम सारी लेडीज से अनुरोध करेंगे, प्लीज उठ के आइएगा मत स्टेज पर। Please let
अच्छा प्लीज एक स्माइल प्लीज। सब लोग अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, प्यार व्यार हो गया तो हमारी गलती नहीं है। रेडी रेडी। लच्छा, फिर लस्सी लीक कर गई। देखिए आप लोगों की परेशानी हम दूर कर चुके हैं, आपके चेहरे पे हम स्माइल ले आए, यही हमारा इरादा था। बाकी ये मनुष्य तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका कुछ हो नहीं सकता है। हम अब चलते हैं, चलिए शुक्रिया। ओके चलिए। आदित्य को लेके आई, मेरे जोड़ीदार को साथ लाई है। आदित्य तेरा जोड़ीदार कैसे हो गया दादी? वो क्या है ना बिट्टू, मार्केट में दो ही लोगों की शराब फेमस है, या इसकी या मेरी। बहुत देर से बोल रहा ना, गला सूख गया होगा, ये ले। She's a drunk. थोड़ी इधर हो जा।